भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा और आखिरी T20 मैच खेला जाएगा 22 सितंबर यानी कि रविवार को। सो हेलो गाइस, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। दोस्तों, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा T20 मैच काफी टक्कर काफी रोमांचक का होने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं इस मैच की पिच रिपोर्ट्स और कंडीशन और साथ ही इसके वेदर के बारे में कि कैसा रहने वाला है मौसम, क्या बारिश होगी मैच के बीच में या फिर नहीं, क्या बारिश की वजह से यह मैच रद्द हो जाएगा या फिर नहीं, और साथ ही साथ आपको बताएंगे इस मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के बारे में कि वो कौन से भारतीय टीम के 11 खिलाड़ी खेलेंगे इस मैच में। तो गाइस, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब दोस्तों, अगर हम बात करें तो इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा T20 मैच खेला जाएगा 22 सितंबर 2019 संडे को, और ये मैच बेंगलुरु के एम चंदनस्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा, और ये मैच शाम को 7 बजे से स्टार्ट होगा यानी कि 7 PM से। अगर हम बात करें सबसे पहले इस मैच के लिए इसके वेदर के बारे में कि कैसा रहने वाला है मौसम, तो वेदर रिपोर्ट्स की माने तो बेंगलुरु में रविवार शाम को बारिश की आशंका जताई जा रही है। रविवार को आसमान में काले बादल छाए रहेंगे और साथ ही बारिश होने के भी आसार हैं। ऐसे में बारिश मैच में खलल डाल सकता है। दोस्तों, मैच शाम 7 बजे से खेला जाएगा, ऐसे में इस समय बारिश आने की 40% संभावना है, जो कि 40% पूरे चांस है मैच के बीच में बारिश होने की संभावना। अब अगर हम बात करें इस मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के बारे में तो एज ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर नंबर 1 पर होंगे रोहित शर्मा, जबकि नंबर 2 पर होंगे शिखर धवन, जो कि ये दोनों ही बल्लेबाज एक बार फिर से टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग के बल्लेबाजी करने वाले हैं तीसरे T20 मैच में। वहीं इसके बाद नंबर 3 पर होंगे विराट कोहली, जबकि नंबर 4 पर होंगे श्रेयस अय्यर। वहीं इसके बाद नंबर 5 पर होंगे ऋषभ पंत, जबकि नंबर 6 पर होंगे हार्दिक पांड्या। वहीं इसके बाद नंबर 7 पर होंगे करुणाल पांड्या, जबकि नंबर 8 पर होंगे जडेजा। अगर बात की जाए नंबर 9 की तो नंबर 9 पर बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं इस मैच में, जो कि इस मैच में वैसे तो तेज गेंदबाजों को काफी ज्यादा मदद मिलेगी, ऐसे में वाशिंगटन सुंदर की जगह पर खलील अहमद को मौका दिया जा सकता है, हालांकि राहुल चहर को भी इस मैच में मौका दिया जा सकता है। अगर हम बात करें नंबर 10 की तो नंबर 10 पर होंगे दीपक चहर, वहीं इसके बाद नंबर 11 पर होंगे नवदीप सैनी। तो गाइस, यदि भारतीय टीम की प्लेइंग 11 तीसरे T20 मैच के लिए। अब दोस्तों, अगर हम बात करें इस मैच के लिए पिच रिपोर्ट्स और कंडीशन के बारे में तो आपको बता दूं कि तीसरा T20 मैच बेंगलुरु के एम चंदा स्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। ऐसे में इस मैच में इस पिच को बल्लेबाजों के लिए खास बनाया गया है, जहां पर बल्लेबाजों को काफी ज्यादा मदद मिलेगी, स्पिनर्स को काफी कम मदद मिलेगी, और वहीं साथ ही साथ तेज गेंदबाजों को भी काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है, क्योंकि मैच के दौरान काफी तेज हवाएं चलेंगी जिससे सीमर्स को काफी ज्यादा फायदा होगा। तो गाइस, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी विचार अपना राय जरूर दें आपके हिसाब से कौन सा टीम जीतेगी तीसरा T20 मैच।